सिट्रॉन की C5 एयरक्रॉस, C3, C3 EV और रेनो की काइगर, ट्राइबर और क्विड, ये सारी गाड़ियों की सेल्स अगर हम मिला दें तो मारुति की वैगनार की आधी भी नहीं पहुंचती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सिट्रॉन ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल 9000 गाड़ियां ही बेची थी, वहीं रेनो ने लगभग 79,000 के आसपास और मारुति ने अकेले से वैगनार की ही 212,000 यूनिट्स बेच दी थी इसी सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यानी कि एक अकेली हैचबैक ने पूरी की पूरी फ्रेंच पोर्टफोलियो को अकेले ही मोज़ेरेला चखा दिया। और यहाँ पर एक ये वाली बात देखने की है कि इवन दो सिट्रॉइन एक नया ब्रांड है इंडिया के अंदर, लेकिन रेनो तो इंडिया के अंदर 2005 से ऑपरेट कर रहा है, यानी कि पिछले 2 दशक से। फिर क्यों आज तक भी ये लोग इंडिया के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? लेकिन एक्चुअली में सिर्फ इन्हीं दो ब्रांड्स की बात नहीं है, हमने तो ये देखा है कि इंडिया के अंदर आज तक भी जितने फ्रेंच ब्रांड्स आए हैं सभी के साथ यही कहानी है, और इसमें पर्जो, रेनो और सिट्रॉइन तीनों ही शामिल हैं। तो आखिर में ऐसा क्यों है, क्यों फ्रेंच ब्रांड्स इंडिया के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? वेल, इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं और हमने इन दोनों ही रीजंस को दो टाइटल भी दिए हैं, जिसमें पहला टाइटल है द स्लीपिंग बेयर और दूसरा है एस्पिरेशन वॉइड। हम इन दोनों ही मुद्दों पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में सिर्फ 75% ही लोग सब्सक्राइब्ड हैं और मैं यार वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच कंपनीज में सबसे पहले एंट्री हुई थी पर्जो की, जो कि 1994 में आई थी इंडिया के अंदर, और इन्होंने अपनी गाड़ियां असेंबल करने के लिए पाल को चूज करा था, यानी कि प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड को, और उन्होंने 1997 तक पर्जो 309 की 10,000 यूनिट्स भी बेच दी थी उस टाइम पर, मतलब उस टाइम के लिए बड़ी बात थी। लेकिन पाल के अंदर लेबर क्राइसिस की वजह से इनके ऑपरेशंस इंडिया में रुक गए एंड इवेंचुअली ये लोग इंडिया को ही छोड़ के चले गए। लेकिन फिर आई फ्रांस की सबसे बड़ी कार मेकर, यानी कि रेनो। रेनो ने इंडिया के अंदर 2005 में महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करके अपनी महिंद्रा रेनो पार्टनरशिप के अंदर एक लोगन नाम से गाड़ी निकाली इंडिया के अंदर, जो कि उस टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर रेनो की वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर सेडान थी। और आखिर में 2021 में आया सिट्रॉइन, जो कि मेरी ख्याल में PSA ग्रुप की आखिरी कोशिश है इंडिया के अंदर नाम कमाने की। सो ये तो बात रही कि कौन सा फ्रेंच ब्रांड इंडिया के अंदर कब आया, किसने कब धूल खाई यहाँ पर, और कौन सा अभी तक टिका हुआ है। लेकिन अब हम उन दो कॉमन मुद्दों की बात करते हैं जो कि इन सभी फ्रेंच ब्रांड्स के साथ सिमिलर देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से ये इंडिया के अंदर सर्वाइव करते हैं। और पहला है इनमें से द स्लीपिंग बेयर। आपने हाइबरनेट करते हुए भालू के बारे में सुना होगा कि कैसे वो पूरी सर्दी सोते रहते हैं और जब खाना खत्म हो जाता है तभी वो अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इन कंपनीज के बारे में, उसको समझने के लिए हमें रेनो की बात करनी चाहिए। रेनो ने 2012 में अपनी डस्टर लॉन्च करी थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी SUV थी उस टाइम के लिए इंडिया के हिसाब से। लेकिन उस वक्त शायद इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट SUVs को लेकर उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। उस टाइम तो इंडियन कस्टमर्स को ऐसी गाड़ियाँ चाहिए थी जो कि ज़्यादा माइलेज दें, है ना मारुति ऐसी गाड़ियाँ, इसीलिए उस टाइम पे उतनी ज्यादा सेल नहीं होती थी, लेकिन फिर भी अपने सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छी बिका करती थी। लेकिन हमें ये देखने को मिला कि इस गाड़ी की सेल्स तब कम होने लगी जब इंडियंस का रुझान SUVs की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। और आज की डेट में अगर हम देखें तो SUVs के पास इंडियन मार्केट का 40% शेयर है। लेकिन रेनो के साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV को ही बंद कर दिया 2022 में। और उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि उनकी गाड़ी बिक नहीं रही थी। उनकी गाड़ी बिक क्यों नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने यार इस गाड़ी को प्रॉपर अपडेट्स ही नहीं दिए। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करा उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं करा। लेकिन अगर हम क्रेटा की बात करें, जो इससे सिर्फ 3 साल बाद आई थी, वो गाड़ी आज हुंडई के लिए सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट करके देती है, क्योंकि हुंडई ने उस गाड़ी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। हुंडई को पता था कि SUVs की मार्केट गर्म है, इसीलिए उन्होंने इस गाड़ी के हर फेस लिफ्ट के साथ नए नए फीचर्स ऐड करे और इतने सारे फीचर्स ऐड कर दिए कि मुझे तो आज की डेट में ऐसा लगता है कि उन्होंने इंडियंस की आदत ही खराब कर दी है। खैर, अगर हम रेनो पर फिर से आएँ तो हमें देखने को मिलता है कि रेनो ने ऐसा कुछ भी नहीं करा और इवेंचुअली उस गाड़ी को बंद कर दिया और उसकी जगह काइगर को ले आए। और मेरे हिसाब से ये बहुत गलत डिसीजन था उनका, और उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सिट्रॉइन की, जो कि अनदर फ्रेंच ब्रांड है जो कि सिमिलर स्लीपिंग बेयर वाली मिस्टेक कर रहा है। सिट्रॉइन ने 2021 में C5 एयरक्रॉस निकाली, जो कि 37 लाख रुपए की थी उस टाइम पर, जो कि एक डी सेगमेंट SUV थी, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी मेरे हिसाब से, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर डी सेगमेंट सेडान और SUVs का क्या हाल होता है। ये वही सेगमेंट है जिसके अंदर सिविक, ऑक्टाविया और एलांट्रा जैसी सेडान्स आती हैं और ट्यूसों और कंपास जैसी SUVs आती हैं। और इन गाड़ियों की सेल्स इतनी कम होती है कि ज़्यादातर कार ब्रांड्स इनको या तो CBU या फिर नॉकडाउन यूनिट की तरह इंडिया में लाते हैं, और ये गाड़ियाँ कब आती हैं और कब जाती हैं किसी को नहीं पता होता, एंड इवन कार रिव्यूअर्स को भी ये गाड़ियाँ रिव्यू करने के लिए नहीं मिलती हैं। और यही सेम चीज C5 के साथ भी हो रही है। इस कार की मंथली सेल भी सिर्फ डबल डिजिट्स में ही हो रही है इस टाइम पर। वहीं अगर हम बात करें किया मोटर्स की, जो कि अगेन एक और नया ब्रांड है इंडिया के अंदर, उन्होंने बड़े सोच समझ के अपनी सेल्टोस को इंडिया के अंदर लॉन्च करा था, और वो जानते थे कि इंडिया के अंदर सी सेगमेंट की SUV वाली मार्केट कितनी ज़्यादा गर्म है, और इसीलिए उनको यह भरोसा था कि उनकी खूबसूरत दिखने वाली फीचर लोडेड गाड़ी हाथों हाथ बिकेगी, और ऐसा हुआ भी। और अब तक यानी कि पिछले 4 सालों के अंदर सेल्टोस की 5 लाख यूनिट्स बिक चुकी है, और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। नाउ कम सेल्स के मामले में सिट्रॉइन का ये कहना है कि ये जो C5 थी,
यह उनका एक हेलो प्रोडक्ट थी, यानी कि वो इस गाड़ी के थ्रू ये बताना चाहते थे कि भाई सिट्रोइन किस लेवल की गाड़ियां बना सकता है। और मेरे हिसाब से जो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है और फीचर्स वगैरह हैं, वो सभी इनकी आने वाली गाड़ियों के अंदर रिफ्लेक्ट करने चाहिए थे। लेकिन यार मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इनकी C5 है ना, वो तो इनकी कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन जो इसके बाद गाड़ियां आ चुकी है और जो आने वाली है ना, वो सारे इनके ऑन रोड वर्जन है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसको समझने के लिए हमें अपने दूसरे पॉइंट पर चलना चाहिए, यानी कि एस्पिरेशन वॉइड। सो यार हमने ये देखा है कि हर एक पर्टिकुलर देश के ब्रांड के साथ एक जैसी आइडियोलॉजी जुड़ी होती है। जैसे कि जैपनीज ब्रांड ज्यादातर रिलायबल एंड फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां बनाते हैं अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स के अंदर। जर्मन्स का परफॉर्मेंस में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। कोरियंस इतने ज्यादा फीचर्स डाल देते हैं गाड़ियों के अंदर जितने किसी और गाड़ी में मिल ही नहीं सकते। और इंडियंस वो तो यार टैंक जैसी गाड़ियां बना रहे हैं आजकल। लेकिन यार फ्रेंच की आइडियोलॉजी ये बोलती है कि भाई सबसे सस्ती गाड़ी बना के दे दो, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो, SUV, MPV या फिर हैचबैक्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कार्स को सस्ता बनाने के चक्कर में एक इन्फीरियर प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं हम लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है। फॉर एग्जांपल रेनो काइगर की बात करते हैं। रेनो काइगर एक SUV शेप्ड गाड़ी है, लेकिन इसके दोनों ही वर्जन यानी कि टर्बो और नॉन टर्बो वालों में दोनों में ही 1 लीटर का इंजन आता है सिर्फ। और मैंने इस गाड़ी को खुद एक्सपीरियंस करा और मुझे इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर्ड लगा। और सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये आप किसी भी रिव्यूअर का रिव्यू उठा के देख लो, सभी का ये मानना है कि इसका इंजन अंडर पावर्ड भी है और साथ साथ अनरिफाइंड भी है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर सिर्फ बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं, वो भी ज़्यादातर टॉप मॉडल्स के अंदर ही। वरना अगर आप इसके बेस वेरिएंट के अंदर जाओगे तो आपको स्टीरियो, 4 पावर विंडो और रिमोट कंट्रोल जैसे बेसिक फीचर्स भी नहीं मिलते हैं। एंड सेम स्टोरी है सिट्रोइन के साथ भी, उनके अंदर भी यही देखने को मिलता है कि वो फीचर के नाम पर एक बस वो एक डिस्प्ले लगा देते हैं बड़ी सी यहाँ पर, एंड दैट्स इट। उनका मैंने नोटिस करा था जब मैं उनकी गाड़ी चला रहा था, तो उनका जो MID था वो भी बड़ा बेसिक चौकोर सा था। इससे अच्छा एक सेंट्रो के अंदर होता है मेरे हिसाब से। और सेम स्टोरी सिट्रोइन के साथ भी देखने को मिलती है। यूरोपियन मार्केट्स में वो अपनी बहुत ही खूबसूरत गाड़ियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडियंस की डिमांड को ठीक से समझ नहीं पाए। और उन्होंने अपनी C3 कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बहुत ही बेसिक फीचर्स के साथ और आउटडेटेड इक्विपमेंट्स के साथ इंडिया के अंदर लॉन्च कर दी। और जैसे मैंने पहले बोला कि ये गाड़ी C5 की फैमिली की बिल्कुल लगती ही नहीं है, अगर सिर्फ क्वालिटी की बात करें डिज़ाइन को हटा के। ऐसा लगता है कि मतलब ये किसी और ही कंपनी की गाड़ी है और वो किसी और ही कंपनी की गाड़ी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर आप Hyundai की i10 लोगे और क्रेटा भी लोगे ना, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये किसी और ब्रांड की गाड़ियां हैं। दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ रहती हैं फिर भी, मतलब डिज़ाइन लैंग्वेज में, क्वालिटी, टच एंड फील वगैरह के अंदर। वो कोशिश करते हैं कि वो अपने सेगमेंट के अंदर टॉप नॉच रखें, लेकिन सिट्रोइन के साथ बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन चलो ये तो बेसिक आर्किटेक्चर की थी, कोई कंपनी कैसा देती है कोई कंपनी कैसा देती है, हम उस पर ज़्यादा सवाल नहीं उठा सकते। ये तो कस्टमर्स के ऊपर है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कॉस्ट कटिंग की वजह से इन गाड़ियों का लेवल इतना गिर जाता है कि इनके अंदर बेसिक क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान भी नहीं रखा जाता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेनो काइगर के अंदर काफ़ी टाइम तक फेंडर लाइन तक नहीं आती थी, जो कि मारुति की ऑल्टो में भी मिल जाती है। और इसकी वजह से होता यह था कि जो पानी है और जो कीचड़ वगैरह होता है वो पिछले टायर में चिपक के पीछे वाली टेल लैंप से बाहर निकलता था। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि जो फ्रेंच ब्रांड्स हैं वो इंडिया के अंदर सबसे सस्ती गाड़ियां बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडियंस को सबसे सस्ती गाड़ी ही चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से वो इंडियन मार्केट के एक नए शिफ्ट को नहीं समझ पाए हैं। और वो शिफ्ट ये है कि इंडियंस चाहते तो हैं कि उनकी जेब पर कार के नाम पर बड़ा छेद ना हो, लेकिन वो अपनी गाड़ियों के अंदर एस्पिरेशनल वैल्यू भी ढूंढते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर कार सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो एक रईसी का भी प्रतीक होता है। और इसीलिए इंडियंस बिल्कुल बेसिक जाने के बजाय कुछ और पैसे डालकर एक थोड़ा ऐसा मॉडल ले लेते हैं या थोड़ी एक ऐसी गाड़ी ले लेते हैं जिसकी एस्पिरेशनल वैल्यू ज़्यादा हो। और ये बात टाटा को नैनो के फेलियर के बाद बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी, और मेरे ख्याल में अब ये चीज़ फ्रेंच को भी सीख लेनी चाहिए। खैर अब इस पूरी कहानी के अंदर ऐसा भी नहीं है कि फ्रेंच मेकर के साथ सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि रेनो के साथ कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। और वो ये हैं कि उनकी रूरल इंडिया के अंदर पिछले 3 साल के अंदर 38% तक सेल्स बढ़ी हैं, और क्विड की जो 79,000 यूनिट्स बिकी हैं उसमें से 30,000 यूनिट्स सिर्फ रूरल इंडिया के अंदर बिकी हैं। ना रूरल इंडिया के अंदर वो ग्रो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर उन्हें बड़ा गेम खेलना है तो उनको कंक्रीट जंगल में रहने वाले लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल में ये दोनों ही ब्रांड ऐसा करने में कैपेबल हैं, क्योंकि अगर आप रेनो और सिट्रोइन दोनों की ही बाहर मिलने वाली गाड़ियों को देखोगे, जैसा आप अपनी स्क्रीन्स पर देख भी पा रहे होगे, जो इनकी गाड़ियां बाहर मिल रही हैं यानी कि यूरोप वगैरह के अंदर, उनके डिजाइंस और इंटीरियर क्वालिटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है, और वो आराम से Hyundai जैसी कंपनी को भी टक्कर दे सकते हैं एटलीस्ट कुछ मॉडल्स के साथ। सो मेरे हिसाब से फ्रेंच मेकर्स को ऐसी गाड़ियां इंडिया के अंदर जरूर लॉन्च करनी चाहिए। और एक बात और खासकर रेनो से जुड़ी हुई है, जो रेनो है इनके पास एक बहुत बड़ी पोर्टफोलियो है इलेक्ट्रिक कार्स की, और वैसे भी अब टाइम आई रहा है कि जो कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ स्विच कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से उनको अपनी इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो के अंदर से कुछ गाड़ियां इंडिया के अंदर भी डाल देनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसा परफॉर्म करती है वो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने विचार इस वीडियो के बारे में जरूर छोड़िए। थैंक यू।